हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे मात्रक और मापन, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट बेसिकली आज पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि हमारे जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो एमपी एग्जाम हो, एसएससी हो या रेलवे हो, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम होते हैं, वो किसी न किसी एग्जाम में आपको दिख जाएंगे। और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन मात्रक और मापन से जरूर आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है, यानी कि रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या है। तो आप मुझे बताओ कि रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या होती है। तो यहाँ पे रेडियो धर्मिता की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है बैक्यूरल। बैक्यूरल इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो धर्मिता, ठीक है। उसके बाद कुछ एडिशनल जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडियो धर्मिता की एसआई यूनिट क्या होती है, बैक्यूरल्स होती है। और कुछ फंडामेंटल्स क्वांटिटीज होती हैं और उनके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, कुछ मात्रक हैं, जैसे मीटर है, किलोग्राम है, सेकेंड है, एम्पियर है, केल्विन है, मोल है, कैंडेला। तो जो लंबाई होता है, लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम, समय का जो मात्रक होता है वो होता है सेकेंड, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ताप का मात्रक होता है केल्विन, और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है वो होता है मोल, और ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है कैंडेला। तो ये है हमारी 7 फंडामेंटल्स यूनिट। 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और 2 क्या होती हैं, सब यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भार का एसआई इकाई क्या होती है, यानी कि भार जो वीट होता है, वीट का एसआई यूनिट क्या होती है। तो जो वीट होता है, वीट की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। क्योंकि जो वेट होता है, W इज इक्वल टू क्या होता है, एम जी, और एम यहाँ पे क्या है, मास है, मास मतलब द्रव्यमान है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। तो यहाँ पे जो भार की एसआई इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी न्यूटन। डाइन की अगर बात करें तो ये बल का सीजीएस मात्रक है, बल का सीजीएस मात्रक है, यानी कि सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स। और यहाँ पे ग्राम की बात की जाए तो ये भी क्या है, सीजीएस यूनिट ऑफ द्रव्यमान, यानी कि क्या बोलते हैं, मास, मास का सीजीएस यूनिट है, और किलोग्राम क्या है, मास का एसआई यूनिट। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। किलोग्राम क्या है, मास का एसआई यूनिट, यानी कि द्रव्यमान का एसआई यूनिट, एसआई इकाई, और ग्राम क्या है, द्रव्यमान की सीजीएस यूनिट। और यहां से न्यूटन क्या है, न्यूटन क्या है कि भार का एसआई यूनिट, यानी कि बल की भी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। सो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स दैट इज न्यूटन। इसके बाद हम बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा है कि निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रा क्या होता है, कैंडेला। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है वो क्या होती है, कैंडेला। अगर हम वेग की बात करें तो वेग क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेग की जो इकाई होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकंड। बल की जो इकाई होगी वो हो जाएगी आपके न्यूटन, और आवेग की जो इकाई होती है वो होती है केजी मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है। तो संवेग जो होता है, संवेग की जो इकाई होती है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, और संवेग जो होता है वो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को ही क्या बोलते हैं, संवेग बोलते हैं। तो यहाँ पे संवेग, संवेग इज ये हो गया संवेग। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलेंगे, संवेग। तो द्रव्यमान की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम, और वेग की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो जो द्रव्यमान है, सॉरी संवेग है, संवेग की एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, केजी मीटर पर
सेकंड इसे मोमेंटम कहते हैं। सो मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, यानी कि जो संवेग होता है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। किसी वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु की वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग कहा जाता है। तो किसी भी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग के गुणनफल को क्या बोला जाता है, संवेग बोला जाता है। और वस्तु का जो संवेग होता है वो एक सदिश राशि है। तो संवेग की बात करें तो ये कैसी है, सदिश राशि है। अदिश और सदिश राशियां होती हैं। सदिश ऐसी राशि होती है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, परिणाम होता है और दिशा होती है, ठीक है। संवेग एक संरक्षित राशि अर्थात किसी निकाय किसी वियुक्त निकाय का कुल संवेग क्या होता है, स्थिर होता है। यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग संरक्षण का एक नियम होता है जो कहता है कि अगर किसी भी वस्तु में कोई बल नहीं लग रहा है तो उसका पूरा संवेग जो होता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं संवेग इज इक्वल टू द्रव्यमान इंटू वेग, और जो यूनिट है वो है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, और यही हमारा क्या होता है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है, किसी वस्तु पर लगा बल उस वस्तु के संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो ये बेसिक बेसिक चीजें आपको मालूम चल गई होंगी। यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो है वो ये कहता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। सो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, तो विद्युत आवेश का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलाम। कूलाम इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। वोल्ट की बात करें तो वोल्ट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और केल्विन क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, और किलोग्राम क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ मास। तो ये मास की एसआई यूनिट है, ये टेम्परेचर की एसआई यूनिट है, और ये पोटेंशियल की एसआई यूनिट होता है। अब विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज पदार्थों को पारस्परिक रगड़ने से उसमें आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। यानी कि जब हम किसी भी दो ऐसे ऑब्जेक्ट को, दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, एक गुण आ जाता है जिससे वो क्या करते हैं, दूसरी बॉडीज को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं या अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, ठीक है। अगर आवेश की बात की जाए, चार्जेस की बात की जाए, तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। इन्हें यह नाम अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया था, और एसआई सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट इज द कूलाम। सो कूलाम बेसिकली क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख लेनी है। अगला वो क्वेश्चन है, ये कहता है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो होती है दूरी की इकाई, ठीक है। और ये बड़ी दूरी की इकाई जो होती है, प्रकाश वर्ष जो होती है वो बड़ी दूरी की इकाई होती है। अब बात करें प्रकाश वर्ष दूरी की क्या है, एक इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरियों को मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू क्या होता है, 9.46 × 10⁻¹⁵ मीटर। ये एक प्रकाश वर्ष है। अब आप देख सकते हैं कितनी बड़ी इकाई है, जो दूरी होती है, दूरी के मापन की ये सबसे बड़ी इकाई है। इससे भी बड़ी इकाई होती है पारसेक, जो कि 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होती है। तो अगर बात की जाए तो पारसेक जो होती है प्रकाश वर्ष की, मतलब दूरी की सबसे बड़ी इकाई है।
जबकि प्रकाश वर्ष भी क्या है, दूरी की एक लंबी इकाई है, बड़ी इकाई है। तो ये प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, प्रतिरोध मतलब होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होता है, ओम होता है। इसको इस टाइप का एक सिंबल होता है, इस टाइप के सिंबल से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात की जाए कूलाम, तो कूलाम किसकी इकाई होती है, चार्ज की इकाई होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस किए। जूल जो होती है वर्क एंड एनर्जी की इकाई होती है, वर्क और एनर्जी की इकाई है। न्यूटन क्या है, न्यूटन बल की इकाई है, यानी कि फोर्स की इकाई है। ठीक है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है। जॉर्ज साइमन ओम एक भौतिक शास्त्री थे और गणितज्ञ थे। उन्होंने किसी भी तार में क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित करी, तो उनके बीच का जो विभव अंतर था, पोटेंशियल था, उसके बीच में एक रिलेशन दिया जो क्या कहता था कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर जो क्या होते हैं दो तार के बीच के सिरों का जो विभव अंतर होता है, उस वो क्या होता है, उसमें प्रभावित होने वाली जो करंट होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको बैलेंस करते हैं तो V इज इक्वल टू क्या आता है, IR। तो यहाँ से R इज इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइड बाई I। और जो ये R है, R इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, जिसको हम प्रतिरोध बोलते हैं, और इसी की इकाई होती है ओम, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से 1 ओम इज इक्वल टू होता है 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर। तो आपसे कभी पूछे कि 1 ओम इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप 1 वोल्ट डिवाइड बाय 1 एम्पियर भी बता सकते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन ये कहता है कि जो लेंस है, लेंस की शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, तो लेंस की जो शक्ति होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। अब ये डायोप्टर क्या होता है, तो लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस, तो लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी कि पावर ऑफ लेंस दैट इज द 1/F। सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ दैट इज द पावर ऑफ लेंस। इसकी जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, डायोप्टर होती है, जिसे कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल डी इज इक्वल टू एन 1/m भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि फोकल लेंथ है और लेंथ क्या होता है, मीटर में होता है, तो 1/m, या कि m इनवर्स को ही क्या लिखते हैं, कैपिटल डी लिखा जाता है। इसके बाद कुछ दृष्टिदोष होते हैं, जैसे एक होता है निकट दृष्टिदोष और दूसरा होता है दूर दृष्टिदोष। अब ये निकट दृष्टिदोष बेसिकली क्या होता है, तो इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को नजदीक की वस्तु देख सकता है। निकट दृष्टिदोष यानी कि निकट की वस्तुओं को देख पाता है परंतु दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता, और इस तरह से जो दोष से पीड़ित होता व्यक्ति होता है वो अवतल लेंस का प्रयोग करता है। यानी कि निकट दृष्टि दोष में क्या होगा कि पास वाली वस्तुएं दिखेंगी, पास वाली चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें आपको नहीं दिखेंगी। और इसको इम्प्रूव करने के लिए जो चश्मा लगाना पड़ता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है। दूर दृष्टि दोष इसका अपोजिट, पास की वस्तुएं नहीं दिखती और दूर की वस्तुएं दिखती है, और इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कभी कभी आपसे लेंस फॉर्मूला भी पूछ लेता है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/F दैट इज 1/V माइनस 1/U, ये होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, लेंस फॉर्मूला परीक्षाओं में आ जाता है। और अगर मिरर फॉर्मूला की बात की जाए तो 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, इसे बोलते हैं हम मिरर फॉर्मूला, दैट इज द मिरर फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिरर फॉर्मूला और ये हो गया हमारा लेंस फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, तो निम्नलिखित में से जूल में किसे मापा जाता है, तो जो ऊर्जा होती है,
ऊर्जा, एनर्जी, एनर्जी की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है जूल, ठीक है। वेग जो होता है उसका एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, बल जो होता है उसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन, और शक्ति जो होती है इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत ध्यान से याद रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ऊर्जा है या कार्य वर्क या एनर्जी की जो एसआई यूनिट है वो होती है जूल, वेग की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, शक्ति की एसआई यूनिट होती है वॉट, और दाब की एसआई यूनिट होती है पास्कल, ठीक है। तो ये यूनिट आपको याद रखनी है। साथ में आपको याद रखना है कि जो त्वरण, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है, वेग में परिवर्तन के दर को क्या बोलते हैं, त्वरण होते हैं। तो वेग डिवाइड बाई क्या होता है, समय, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रख के चलना है। यहाँ पे कुछ एक दो और यूनिट का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तो है धारिता, जिसे होता है बोलते हैं हम कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है फेरेड। उसके बाद है प्रेरकत्व, प्रेरकत्व जिसे बोलते हैं इंडक्टेंस, इंडक्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है, हेनरी। ताप, दाब जो होता है इसे हम बोलते हैं प्रेशर, और प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल। और चुंबकीय फ्लक्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है। और आपको मालूम ही है कि जो बल होता है, बल की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन, और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। तो यहाँ पे जो 1 न्यूटन होता है दैट इज 10^5 डाइन, ठीक है। उसके बाद एसआई यूनिट ऑफ वर्क यानी कि कार्य, कार्य की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और सीजीएस यूनिट होती है अर्ग। और 1 जूल इज इक्वल टू 10^7 अर्ग। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रख लेना है, क्योंकि तो परीक्षाओं में कभी कभी ये चीजें आ जाती हैं। सो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि आपको अपकमिंग वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।